नमस्कार, मैं डॉक्टर ललिता भट्ट, मैं एक आयुर्वेदाचार्य और नाड़ी वैद्य हूँ। आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन को जानते हैं और इसके होने के क्या कारण हैं, इसको थोड़ा जानते हैं। अगर आप देखो तो डिप्रेशन को हम हिंदी में मानसिक अवसाद कहते हैं, मतलब हमारा जो मन है वो अवसाद मीन्स दुखी है। क्या कारण है कि हमारा मन दुखी है? तो पहले अपने मन को जानना बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है, मन्यते अवबुद्धिते ज्ञायते इति मनः, अर्थात जो मन है, किसी भी चीज को जानने का कारण जो है आपका मन है। आपने सुना होगा कि मन लगा के पढ़ो। ऐसा क्यों कहते हैं कि मन लगा के पढ़ो, जबकि पढ़ तो अपनी आंखों से रहे हो, हाथों से लिख रहे हो, लेकिन जब तक आपका मन उस जगह पे नहीं है आप उस चीज को जान नहीं सकते हो। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ लेकिन आप कहीं और हो, किसी और जगह के बारे में सोच रहे हो, तो आप यहाँ होते हुए भी मुझको नहीं सुनोगे। तो हमारा मन जो है वो किसी भी चीज को जानने का कारण है। और ये जो मन है इसके कुछ गुण हैं, जिसे हम कहते हैं सत्व, रज और तमस। ये तीन गुण मन के होते हैं। सत्व जो है वो प्योर है, प्योरिटी है, वो आनंद है, इसमें कभी विकृति नहीं होती है। लेकिन जो मन के दो और गुण हैं, रजस और तमस, अगर इसमें विकृति आ जाती है तो हमारे मन में विकृति आने लगती है, जिसको हम कहते हैं कि हमारे मानसिक रोग अब होने लगे हैं। तो इसमें से जो गुण है वो तमस जो गुण है उसको थोड़ा जानेंगे तो हम डिप्रेशन या मानसिक अवसाद को जान सकते हैं। अगर आप सोचो कि आपका किसी काम को करने का मन नहीं कर रहा है, तमस जो शुरू होता है वो स्टार्ट होता है आपके लिथार्जीनेस से, लीजीनेस से, आपको कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम कहते हैं कि तमस बढ़ गया, बॉडी के अंदर कफ ऐसा बढ़ गया है। लेकिन अगर यही तमस थोड़ा सा और बढ़ जाए, फिर आप चीज़ों को टालना शुरू करते हो, जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। आप कहते हो मैं आज नहीं, कल इस काम को करूँगा, आज मेरा करने का मन नहीं है। ये तमस थोड़ा सा और बढ़ जाता है, फिर आप कहते हो कि कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझको लाइफ में, मुझे बोर्डम होने लग रहा है। अगर ये लिथार्जीनेस, लेजीनेस, काम टालना और बोर्डम यहाँ तक ठीक है तो ठीक है, लेकिन अगर ये बोर्डम बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये डिप्रेशन के सिम्टम आने लगते हैं, इसको हम डिप्रेशन कहने लगते हैं। डिप्रेशन का मतलब अगर आप आयुर्वेद में जानो तो बहुत ज़्यादा तमस का शरीर में बढ़ जाना ही डिप्रेशन का कारण है। आपके शरीर में किसी भी कारण से तमस बढ़ सकता है। तो क्या वजह है, क्या कारण है कि हमारे बॉडी में तमस बढ़ रहा है? सबसे पहला है कि आपका आप कोई भी बहुत कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाए, आपका कोई नोन, कोई बहुत प्रिय व्यक्ति है आपसे रूठ जाए, आपसे बात ना करे, जिन जिनके साथ आपका मन लगा है उनसे आपका मन हटने लगे, विरक्त होने लगे, तो मन दुखी होने लगता है, क्योंकि डिप्रेशन मानसिक अवसाद ही है ना। तो जहाँ जहाँ आपके मन की चीज़ें हैं वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपका बिजनेस आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, आपकी लाइफ की जो प्लानिंग है वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपका फाइनेंशियल जैसा आप चाहते थे वो आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, आपने लाइफ में एक टारगेट सेट किया है, एक गोल सेट किया है और वो उस टाइम तक पूरा नहीं हुआ, तो जो भी काम आपके मन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है तो मन दुखी हो रहा है। मन दुखी हो रहा है मीन्स वो धीरे धीरे तमस बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट हो रहा है और हम इसको कहते हैं धीरे धीरे कि हम डिप्रेशन में चले गए हैं। कैसे जाने कि हमें डिप्रेशन हो रहा है या डिप्रेशन के सिम्टम्स हमारे अंदर आने लगे हैं, इसको जानते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका मन काम से हटने लगता है, तमस जब बढ़ता है तो वो स्टार्ट होता है लेजीनेस, लिथार्जीनेस, डलनेस, यहाँ से शुरू होता है, लेकिन ये धीरे धीरे जड़ता में चला जाता है, जिसको कहते हैं इनर्शिया। आपको कुछ भी करने का मन नहीं है। अगर ये थोड़े दिन के लिए है, मतलब महीने में 4-5 दिन हो रहा है, तो इट्स ओके, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर यही जड़ता आपके अंदर रोज आने लगे कि आपका किसी भी काम करने को मन ना करे, आपका अपने दोस्तों से मिलने का मन ना करे, आपका कहीं बाहर जाने का मन ना करे, आपको आपकी भूख बंद हो जाए, या आप कभी कभी एक्सेस भी खाने लगते हो, जब आपको डिप्रेशन होता है तो आपकी या तो भूख बिल्कुल बंद हो जाती है या आप बहुत ज़्यादा भी खाने लगते हो, ऐसा ये भी लक्षण है, बहुत लोगों में देखे जाते हैं कि या तो वो बिल्कुल नहीं सोते हैं या उनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है, टायर्डनेस रहता है बॉडी के अंदर, लिथार्जीनेस रहेगा और आप इंटरेस्ट खो देते हो जीवन, आपको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता है कि हाँ ये ऐसा अच्छा लग रहा है, आपको अपने दोस्तों के साथ अच्छा नहीं लगता है, आपको किसी भी चीज़ों में अच्छा नहीं लगता है, तो आप जानिए कि
हाँ कि शायद मैं डिप्रेशन या मानसिक अवसाद में जा रहा हूँ। महिलाएं और बच्चे डिप्रेशन के ज़्यादा शिकार होते हैं, इसकी वजह क्या है ये हम थोड़ा जानते हैं। जैसे हम जानते हैं कि महिलाएं लेडीज़ जो होती हैं थोड़ी सेंसिटिव होती हैं, बच्चे भी थोड़े सेंसिटिव होते हैं। लेडीज़ हर चीज़ को अपने दिल से सोचती हैं, हर चीज़ को अपने मन में ले लेती हैं। और दूसरा कारण ये है कि महिलाओं में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक उनकी लाइफ में इतने चेंजेस होते हैं कि वो समझ ही नहीं पाती हैं कि अभी मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। और उनका एक लाइफ सेटल होता है कि अच्छा ये सब अकॉर्डिंग चल रहा है। बहुत लोगों से अटैच्ड होती हैं महिलाएं, अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से उनका बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है। कहीं पर भी इसमें भी कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो ये एक रीज़न होता है कि वो थोड़ा डिप्रेशन में जल्दी चली जाती हैं। बच्चे जो हैं वो भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। एक्चुअली बच्चे जो हैं वो ग्रोइंग एज में हैं और उनका जो है अपने आसपास के वातावरण का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर वो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर में है तो वो हेल्दी चीज़ें लेंगे, लेकिन अगर वो ही एक गलत, अगर वो घर में ही देख रहे हैं हिंसा, क्रोध, ये सब चीज़ें घर में देख रहे हैं तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि बच्चे प्योर हैं, उनका लाइफ अभी बन रहा है, उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा है। जो चीज़ देखते हैं वही चीज़ें वो लोग बच्चे एब्जॉर्ब करने लगते हैं। दूसरा है, बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, चीनी बहुत खाते हैं। अगर ये बच्चे मीठा ज़्यादा खाएं तो उनका नर्वस सिस्टम सुपर एक्टिव हो जाता है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। तो उसको कम करने के लिए भी आजकल डॉक्टर कहते हैं कि चीनी इन सब बच्चों को ना दें, क्योंकि वो इतना ज़्यादा मीठा खा के नर्वस सिस्टम को सुपर एक्साइट में रखते हैं कि वो थोड़ा सा परेशान रहते हैं बच्चे।